नमस्कार, मैं सनी तुशीर और इस वक्त मौजूद हूं बवाना में। और बताया जा रहा है कि बवाना में नहर में गिरने से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। जिनकी उम्र की बात करते हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं, एक की उम्र बताई जा रही है कि सिर्फ 8 साल थी और एक की 9 साल और एक की 12 साल। बताया जा रहा है कि शनिवार को जो है अपनी दादी के साथ ये बाहर बाजार में निकले थे, वहीं से ये तीनों बच्चे गायब हो गए और अब इनके शव जो है वो बवाने की नहर में गिरे हुए मिले हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों की डूबने से मौत नहीं हुई है, बल्कि पहले हत्या की गई है और उसके बाद जो है उनको नहर में गिराया गया है। अब परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। दिल्ली के बवाना में जिस तरीके से ये 3 बच्चे नहर में गिरे और नहर में गिरने से जो है वो मौत हो गई है, मौत के क्या कारण है उसकी अभी जाँच नहीं हो पाई है। परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों को पहले बच्चों की हत्या की गई है, उसके बाद नहर में गिराया गया है। बात करते हैं कुछ परिजनों से। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम अनु है, मैं सूरज की माँ हूँ, जो कि मेरा बेटा 8 साल का था। कैसे क्या हुआ? सुबह मेरा बेटा नहा धो के कह रहा दादी के घर जा रहा हूँ, मैं अपनी दादी के घर जा रहा हूँ, यहाँ पे आया है, यहाँ पे 2:30 बजे सब्जी की दुकान लगाया दादी के साथ, दादी के साथ सब्जी की दुकान लगाया तीनों बच्चों ने, तीनों बच्चे यहाँ आए तीनों खाते हुए घर पे। फिर उसके बाद मेरे बच्चे का कोई पता नहीं तो कौन ले गया एक घर, तो जब 3 लाश गई तो किसी ने तो मारा होगा ना, मार के मेरे बच्चे को नहर में डाला। अरे इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चों की हालत देखो, काटा है मेरे बच्चों को, गाँव है मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चों की चप्पल यहाँ पड़ी हुई मिली है लोहा पुलिस के पास, लोहा यहाँ मिली है चप्पल, मेरे बेटे की चप्पल बिक्री हुई मिली सीमेंट वाले पुलिस की, या जो सीमेंट वाला है वहाँ पे एक एक करके चप्पल बिक्री मिली हुई है मेरे बच्चा। और शाम को बाद सर मेरे बच्चों को मारा गया, मुझे धमकी दी गई थी कुछ दिन पहले कि तेरे बच्चों को मार दूंगा। आपको धमकी मिली थी पहले? मुझे धमकी दी गई थी। मेरे किसने धमकी दी थी? किसने धमकी दी थी सर? किसने धमकी दी थी? मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे साले के ससुर हैं, उनके एक परिवार वाले ने धमकी दी थी मुझे, बोले मारेंगे तुझे, मार देंगे तेरे सारे बच्चों को, पूरे परिवार नष्ट कर देंगे। बिल्कुल, घर वालों ने आरोप लगाया है कि पहले बच्चों की हत्या की गई है और उसके बाद नहर में गिरा दिया गया है। घर वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बवाने की नहर में 3 मासूम बच्चों की शव मिला है, एक की उम्र में है 8 साल, 9 साल और 12 साल उम्र जो है वो बताई जा रही है, लेकिन बवाना नहर में गिरने से 3 मासूम बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बच्चा की हत्या की गई है और हत्या के बाद ही वहाँ पर उनको शव जो है वो नहर में गिराया गया है। क्या हो गया बताइए, क्या हो गया? बिल्कुल, घर जब हम लोग खोज कर रहे थे, हमने हर मस्जिद में हर उसमें अलाउंस करवाया बच्चों का अपना। ये बच्चे शनिवार से गायब थे, शनिवार को 3 और चाहिए, बस हमें आएगा मेरे रूम में, और उसके बाद में ये 1 महीने बाद ये हादसा हुआ है। हमें जांच चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए, आज मेरे गए कल किसी और के जाएंगे, इसलिए हम उन कातिलों को पकड़वाना चाहते हैं कहीं भी हो वो, लेकिन वो हमें चाहिए। एक बात बताइए, एक घर से 3 लाश कैसे हुई एक साथ? किसपे शक है आपका? शक किसपे है सर? एक ही इल्जाम है, वो भी इसके छोटे वाले के पास, उन्होंने धमकी दी बच्चों को मारने। शिकायत दी थी आपने पुलिस में? एक और रंजीत जसवाल, रंजीत जसवाल जिसने मुझे धमकी दी थी, रंजीत जसवाल 3 महीने पहले, और इसको भी धमकी दी थी, रंजीत जसवाल है। बिल्कुल, बताया जा रहा है कि शनिवार से जो है वो बच्चे गए थे अपनी दादी के साथ बाजार में गए थे, और बाजार में जाने के बाद वो तीनों बच्चे वहाँ से गायब हो गए, और बच्चों का जो शव है वो आज सुबह बवाना नहर से जो है वो मिला है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, और परिवार लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए। घर वालों ने आरोप लगाए हैं कि बच्चों के गर्दन पर निशान पाए गए हैं, कहीं ना कहीं इसकी हत्या की गई है तीनों बच्चों की, और बवाना नहर में जो है वो उनके शव बरामद हुए हैं। हाँ जी,
लगाया गया मेरे बच्चों को मारने की। ये दादी है जो जिस दादी के साथ गए थे, ये दादी है आपके साथ गए थे, पास ले रहे थे, दुकान लगवाई, दुकान के बाद घर पे आए, घर पे पैसे जितनी मेरा के लड़का के कौन ले गया नहीं ले गया मेरे को पता नहीं है। मैं दुकान में 9 बजे आई, उसके बाद ढूंढा लगी बच्चों कहाँ गए, उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई, सारी जगह ढूंढा, पूरी सारी रात ढूंढी, मेरे नाती है, मेरे मेरे बेटा, मेरे बेटी के 2 लड़का और 1 मेरा नाती है, मेरे लड़का का 1 मेरे घर आ चाहिए, मेरे धमकी दी थी मुझे, वो कह रहा था साले तेरे को जान से मार दूंगा, रंजीत जज ने बच्चों को मार दूंगा तेरे को, धमकी दी थी, मेरे साले को धमकी दी थी। बिल्कुल, अभी कहीं ना कहीं परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों की हत्या की गई है और पुलिस को पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ होना भी चाहिए, क्योंकि 3 मासूम बच्चे जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। देख सकते हैं लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको बवाना से दिखा रहे हैं। हाँ जी, इंसाफ चाहिए। एक ने बोला था भाभी के छोटे भाई ने कर दे जान से मार दे, तो लड़कन के जान से मार दे, कोई ना बचे। क्या उम्र थी आपके बच्चे की? हाँ, मेरे बच्चे 2 मार दिए। आपके 2 बच्चे थे? 8 साल का, 1 8 साल का। बिल्कुल, एक ही परिवार के 2 बच्चे थे और एक बच्चा दूसरे परिवार का था। अब कहीं ना कहीं ये 3 मासूम बच्चे जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से घर वालों का आरोप है कि बच्चों की हत्या की गई है और उसके बाद ही जो है वो एक ही परिवार के, एक ही परिवार के ये 3 बच्चे बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इनकी हत्या की गई, उसके बाद बवाना नहर में इनके शव जो है वो डाल दिए गए हैं। देखने वाली बात यह होगी, क्या अब प्रशासन इसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल करेगा, और करेगा भी तो क्या परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ मिलना चाहिए, हम दिल्ली पुलिस से यही गुजारिश करते हैं, क्योंकि एक परिवार ने अपने 3 मासूम बच्चों को खो दिया है। देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनी तुसीर, दिल्ली समाचार, बवाना।